प्रयोग में अगर मेरी दृढ़ता हो तो निश्चित रूप से ये प्रयोग सफल होगा, ये कार्यक्रम मनाना सफल होगा हमारा। अन्यथा अगर हम सूचना को दिए गई सूचना भी निकालते हैं तो इंग्लिश में निकालते हैं नोटिस, तो फायदा क्या है कि हम अगर अधिकारिक रूप से सूचना दे रहे हैं कि हिंदी का प्रयोग किया जाए और उसकी सूचना को इंग्लिश में हम दे रहे हैं, कितनी हास्यास्पद बात होती है जब हमारे शासन प्रशासन के लोग भी हिंदी के प्रयोग को अपनाने के लिए इंग्लिश में सूचना निकालते हैं, नोटिस निकालते हैं। इस पर वास्तव में चिंतन करना चाहिए कि अगर मुझे हिंदी का प्रयोग अपने देश में सम्मान के साथ करना है तो मैं दृढ़ता के साथ खड़े भी होना चाहिए कि हम इसका प्रयोग बहुतायत में करेंगे। और अगर दृढ़ संकल्प के साथ किसी कार्य को लिया जाता है तो निश्चित रूप से सफल होता है, ऐसा नहीं है कि वो कभी संकल्प लिया हुआ कार्य असफल रहा हो। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेरा भारत मेरी शिक्षा के रूप में नई शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है 3+3 और 5 फिर 3 फिर 4 फिर 4 ऐसा बताया है, जिसमें इसकी व्याख्या के रूप में बताया गया है कि सबसे पहले प्ले ग्रुप होगा जिसमें बच्चा 3 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करेगा और अरुण उदय 3 साल तक बच्चा खेलेगा कूदेगा विद्यालय में आकर के और फिर उसको मौखिक रूप से भी कुछ न कुछ सिखाना रहेगा शिक्षा के रूप में। उसके बाद कक्षा प्रथम से द्वितीय तक उसको लिखने पढ़ने का अभ्यास कराया जाएगा। कक्षा 3, 4, 5 में उसकी अभिव्यक्ति का विकास किया जाएगा और वो भी मातृभाषा में, अर्थात कक्षा मंचन तक की शिक्षा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी नई शिक्षा नीति में रखा है कि हिंदी भाषा मातृभाषा में शिक्षा होगी। मैं अपने सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई ये नई शिक्षा नीति सभी विद्यालयों में लागू हो और सफल हो। इसी के साथ में हिंदी दिवस के अवसर पर वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद जय भारत।